हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम स्टाइल कुकिंग। आज हम सिंपल तरीके से बिना दाल भिगोए बहुत ही झटपट चना दाल खिचड़ी बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक कप चना दाल ली है, जिसे सोक नहीं किया है और वॉश कर लिया है 2 से 3 बार। अब कुकर लिया है और कुकर में हमने 1 चम्मच देसी घी डाला है। देसी घी में खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है, आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। साथ ही डाला है 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा डालने के बाद हमने 1 कप चना दाल ली थी, तो 1 से 1.5 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी में जब अच्छा सा बॉईल आना शुरू हो जाए, तब इसमें हम ऐड करेंगे चना दाल और साथ ही डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। मैं ऐसी सिंपल बहुत कम सामान में वीडियो लेके आती हूँ, जो बहुत कम सामान में बहुत टेस्टी बन के रेडी होती हैं। अब कुकर की लगा देंगे लिड और 3 से 4 विसल आने देंगे ताकि चना दाल अच्छे से कुक हो जाए। अब इतने में हमने 1 कप राइस लिए हैं, जिन्हें अच्छे से 3-4 बार वॉश कर लिया है। मैंने कुकर की विसल आना शुरू हो गई है। 3-4 विसल आने के बाद हमने कुकर की लिड खोल दी है और इसमें ऐड किया है खिचड़ी के लिए पानी। पानी हमने गुनगुना ऐड किया है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुके ना। पानी हमने खिचड़ी जितनी हमने दाल और चावल लिए थे उससे 4 गुना ज़्यादा पानी डाला है ताकि हमारी खिचड़ी सुपर टेस्टी सॉफ्ट बने। साथ ही हमने 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिया था। आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। अब पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए, उसके बाद हमने डाल दिए हैं इसमें वॉश किए हुए राइस। राइस डालने के बाद अगर आपको पानी कम लगे तो पानी आप और ऐड कर सकते हैं। मेरे को पानी थोड़ा सा कम लग रहा था। और फिर कुकर की लिड लगा दी है। 1 विसल आने के बाद गर्मा गर्म इसे दही के साथ सर्व किया।